नमस्कार नमस्कार, ट्वेल्थ क्लास का पांचवा एपिसोड लेके मैं फिर आ गया। तुम लोग यही सोचते होगे कि सर पकाते रहते हैं ना। अरे मेरा आदत है, जिसको पकड़ लेते हैं पकाते रहते हैं। क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चैप्टर 01 पार्ट 05 एपिसोड 05 लेके फिर से हम आ रहे हैं मिसलेनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिसलेनियस एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज तक मैं सारे चर्चा को करूंगा, प्रैक्टिकली समझना है यार। पहला देखो, तुम्हारा टॉपिक था 1.1। 1.1 में क्या था पता है तुम्हें? रिलेशन था। रिलेशन में इक्वावैलेंस पर रिसर्च करना है। देखो, R1 अगर और R2 इक्वावैलेंस रिलेशन है तो ये क्लियर बात है कि जो इंटरसेक्शन होगा वो भी इक्वावैलेंस रिलेशन। लेकिन यूनियन वाला कोई जरूरी नहीं कि आपका होगा इक्वावैलेंस रिलेशन। अब इसी को सब्जेक्टिव प्रूव करना होगा। इफ R1 एंड R2 आर द इक्वावैलेंस रिलेशन इन द सेट ए, सो दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज द ऑल्सो एन इक्वावैलेंस रिलेशन। तो पहला तुमको चेक करना होगा यार रिफ्लेक्सिव। अगर ए बिलोंग टू R1 R2 तो यह क्लियर बात है कि रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। यह चीज जान लो कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट वह इक्वावैलेंस होता है, लेकिन यूनियन वाला पार्ट इक्वावैलेंस नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट ए, ऑर्डर पेयर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स रिफ्लेक्सिव, एक्स वाई रिलेशन यू वी यू वी। तो यहां पर तुमको साबित करना है कि यह सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो यहां पर इक्वावैलेंस होगा। यानी यहां पर कह रहा है एक्स वाई रिलेशन यू भी और एक्स भी इज इक्वल टू वाई वाई, यानी अगर इस टाइप में भी रहता है तो इक्वावैलेंस रिलेशन होता है। एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक्स वाई एक्स माइनस वन डिविजिबल बाई 3, दुनिया के कोई नंबर से अगर डिविजिबल की हम बात करें ना तो वह इक्वावैलेंस रिलेशन ही होता है। यानी यहां पर एक्स वाई 1 4 7 तो 2 5 8 3 6 9, सो दैट R1 R2 बराबर होगा। बिल्कुल फंक्शन डिफाइंड एक्स टेंस टू वाई, तो फंक्शन डिफाइंड द रिलेशन एक्स एंड वाई, ए भी फंक्शन ए इज इक्वल टू फंक्शन बी, तब भी वहां पर इक्वावैलेंस रिलेशन ही होगा। डिटरमाइन विद द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन द सेट आर एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ए स्टिक बी इज इक्वल टू 1 है तो बी स्टिक ए इज इक्वल टू बी 1 होगा। यानी एसोसिएटिव आपका होगा, बिल्कुल एसोसिएटिव होगा। ए स्टिक बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, बी स्टिक इज इक्वल टू बी प्लस ए बाई 2, ये भी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है क्या सर जी? हम लिख देखो, पहला वाला तो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव दोनों हो जाएगा, क्योंकि ए स्टिक बी बराबर 1 दिया हुआ है तो बी एस टी के इक्वल टू बी 1 होगा। लेकिन ए एस टी बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 है तो बी एस टी के इक्वल टू बी प्लस ए बाई 2 होगा। लेकिन क्या एसोसिएटिव होगा? ना, एसोसिएटिव नहीं होगा। फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 1 2 3। अरे भाई 1 2 3 है, इसकी 1 1 फंक्शन करना, फिर 1 2 3 यानी 3 फैक्टोरियल होगा। यानी यहाँ पर नंबर की चर्चा
करना होगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशन की चर्चा करना होगा। इसकी चर्चा होता है 2 to the power mn, नंबर ऑफ ए इक्वल टू एम, नंबर ऑफ बी इक्वल टू एन, और ए क्रॉस बी में जितनी रिलेशन होगा वो 2 to the power mn हो जाएगा। नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन के पावर एम, आ गया। वन वे फंक्शन का फॉर्मूला होता है एन परमुटेशन एम, एन बड़ा हो एम से। अगर एन छोटा 0, एन लेस देन एम, यहां पर 3 परमुटेशन 3 हो गया तो 6 हो गया। इसी ढंग से अगली क्वेश्चन, इसी ढंग से आगे भी बात करोगे।
मिसलेनियस लगा हुआ है पर टाइपिंग खुल गया। तो हम लोग बात कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा ट्रेवल हुआ। कहाँ तक? गूगल से मांग रहा था। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसको थोड़ा बड़ा कर दो। और बड़ा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बाकी ऊपर सब पढ़ा दिए। और हो गया बस। हम लोग बात कर रहे थे इसी बीच में, सो जा। फिर रात का भी 12:30 बजा है। आजा।
अगला हम बात करेंगे फाइंड द नंबर ऑफ वन वन पर्सन फ्रॉम द सेट 1 2 3 इटसेल्फ। हो गया ए इज इक्वल टू 1 2 3 से द नंबर ऑफ द रिलेशन कंटेनिंग 1 2 2 3 1 2 2 3 आर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हो 1 1 हो जाएगा 2 2 हो जाएगा 3 3 हो जाएगा 1 2 2 3 1 3 बिल्कुल सही जवाब आपने दे दिया है। यानी 3 रिलेशन आप जोड़ेंगे तो खेला हो जाएगा। अगला है स्कोर द नंबर ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 2 1। इक्विवेलेंस रिलेशन करने के लिए पहले तो 1 1 होना चाहिए 2 2 होना चाहिए 3 3 होना चाहिए। बस काफी इसी से हो जाएगा। बिल्कुल ये भी सवाल सही है। अगला है शो द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 1 2 हैविंग द 1 आइडेंटिटी हैव द 2 इनवर्स 2 एग्जैक्टली। वो तो चला जाएगा। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन नेचुरल टेंस टू नेचुरल जो है आइडेंटिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। यहां पर दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x इज नॉट 1 2। बिल्कुल सही। अगला है फंक्शन डिफाइंड 0 से पाई बाई 2 टेंस टू रियल गिवेन द फंक्शन एक्स इज इक्वल टू। यहां पर साइन एक्स और दूसरा कॉस एक्स है दोनों को जोड़ोगे तो 1 1 नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा 1 1 जी। आइए हम लोग देखते हैं नंबर क्वेश्चन फंक्शन डिफाइंड 0 to π/2 टेंस टू रियल और फंक्शन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। कॉस एक्स एफ एंड जी पार्टिकुलर दोनों 1 1 फंक्शन है लेकिन क्या एफ प्लस जी करते हो ये 1 1 होगा। यह बात को चेक करने की जरूरत तो देखो मैं चेक कर देता हूं ना दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा यार फंक्शन एक्स प्लस जी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिलेगा। अब एक्स की वैल्यू 0 रखो 1 हो गया पाई बाई 2 रखोगे तो 1 है 0 ये भी 1 हो गया यानी 0 और पाई बाई 2 पर दोनों पर ये 1 1 आ रहा है इसलिए 1 नहीं है ये मेनी वन फंक्शन है दोस्तों। मजा आ गया। अब मैं सिलेनियस की पहले मैं क्वेश्चन कर दूं कल महाशिवरात्रि में महा ऑफर अभी ऑफर में क्या दूं अभी तो पूरा फ्री है ये ना। अरे पैसा लेंगे तब तो ऑफर की जरूरत पड़ेगा। हम तो हमेशा महाशिवरात्रि करते महा ऑफर। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास मिशन एक्सरसाइज चैप्टर 1 फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन डिफाइंड रियल टू रियल फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 10x+7 और जी रियल टू रियल। और गॉफ इज इक्वल टू हॉग इज इक्वल टू आइडेंटिटी रियल। ये तभी संभव होता है मेरे दोस्त तभी इनवर्स होता है
यानी जी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस सेवन बाई टेन। और ना विश्वास है तो करके देख लो। पहले फॉग निकालोगे एफ ऑफ जी एक्स, यानी यहां पर टेन जी एक्स प्लस सेवन, जी एक्स के जगह पर एक्स सेवन माइनस टेन प्लस सेवन, टेन टेन कट गया, एक्स माइनस सेवन प्लस सेवन, सेवन सेवन कट के एक्स। इसी ढंग से गॉफ निकालोगे तो जी ऑफ फंक्शन एक्स, यानी यहां पर तुम्हारे पास रखना चाहते हो जी फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन एक्स माइनस सेवन बाई टेन, यहां पर टेन एक्स माइनस सेवन बाई टेन, सेवन सेवन कट गया, टेन टेन कट गया एक्स। मजा आ गया पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर टू, फंक्शन डिफाइंड होल टू होल, फंक्शन एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, फंक्शन एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, ये ऑड नंबर होने पर है और ये इवन नंबर होने पर है, और इनवर्टाइल कर रहा है, इनवर्टाइल नहीं हो रहा मेरे दोस्तों, बोलो क्यों? अगर ऑड नंबर रखा तो तीन में से एक गया दो आया, और यहां इवन नंबर रखा तीन रखा तो ये चार आया, ये इनवर्टाइल फंक्शन हो गया। क्योंकि यहां पर ऑड रखेंगे तो इवन आएगा और इवन रखेंगे तो ऑड आएगा, ये बिल्कुल हो गया है। लेकिन एक और क्वेश्चन तुम्हारे पास होना चाहिए था, ऐसे दोस्तों, ऐसे दोस्तों, डायलेमा एन बाई टू, ए एन इज इवन नंबर और एन बाई टू, एन माइनस वन बाई टू, एन इज ए ऑड नंबर, तो यह इनवर्टाइल फंक्शन नहीं होता और ये हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही बन रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन में। क्वेश्चन नंबर तीन, फंक्शन डिफाइंड रियल टू रियल, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स निकालना है दोस्तों, यानी जहां जहां फंक्शन है वहां वहां रख देना है दोस्तों। देखो देखो रख दिया मैंने, क्या मिला देखो? अरे अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी करोगे तब तो मिलेगा। मैथमेटिक्स को समझना आसान है, बस बचरते प्रैक्टिस करने की जरूरत, एक्स टू दी पावर फोर इसकी ऑफ करने आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर जी। अगला क्वेश्चन नंबर चार है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड रियल टेंस टू एक्स बिलोंग टू रियल, माइनस वन से प्लस वन तक, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स बटे वन प्लस मॉड एक्स, ये वन वन फंक्शन है, बिल्कुल होगा कि तो प्लस के लिए प्लस होगा, माइनस के लिए माइनस होगा, क्योंकि एक बार ग्राफ खींचेगा एक्स माइनस वन माइनस एक्स का, सो दैट फंक्शन रियल टू रियल फंक्शन एक्स इसको इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन वन वन को ही कहा जाता है, क्योंकि एक्स क्यू का ग्राफ खींचेंगे तो यही होगा, एक बार कट करेगा ये वन वन फंक्शन होगा। नेचुरल टू इंटीजर जे टू इंटीजर्स, यहां पर तुम एक ले लो फंक्शन एक्स इक्वल टू एक्स ले लिया, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ले लिया, ये जो है गॉफ जो है इंजेक्टिव फंक्शन है, लेकिन जी यहां पर इंजेक्टिव फंक्शन नहीं। सात नंबर क्वेश्चन, छह नंबर था, सात नंबर गिवन द एग्जांपल टू फंक्शन, नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू नेचुरल, गॉफ जो है अन टू बट एफ इज नॉट अन टू,
एग्जाम्पल ले लो, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ एक्स माइनस वन, एक्स ग्रेटर देन वन वन और एक्स इक्वल वन। Given the non empty set X, Px is the set of the X. No number question. Given the non empty set X, consider the boundary operation Px cross Px tends to Px, A stick B is equal to A intersection B. A, B और Px जो है power set को indicate कर रहा है, यह जो है invertible function होगा। बिल्कुल सही जवाब है। फाइंड द नंबर ऑफ अनटू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 3 डॉट 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 एन। यहां पर तुम्हारा एन स्क्वायर हो जाएगा, एन टू द पावर एन स्क्वायर। ये एस इज इक्वल टू ए बी सी 1 2 3 और फंक्शन इनवर्स फॉलोइंग द फंक्शन। यहाँ ए का 3 बी का 2 सी का 1 चलेगा, ए का 2 बी का 1 सी का 1 नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द बाउंड्री ऑपरेशन स्टिक रियल टू रियल टेंस टू रियल, ओ जो है रियल टू रियल क्रॉस टेंस टू रियल। डिफाइन द ए स्टिक बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल मोड और ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए। यानी स्टिक जो है कॉम्पिटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है, बिल्कुल एसोसिएटिव नहीं है। और वो जो है एसोसिएटिव है लेकिन कमोटेटिव नहीं है, क्योंकि ए स्टिक बी इक्वल टू छोट का निकल रहा है तो बी एस टू के इक्वल टू ए आ जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, क्या दो ऑपरेशन जो कमोटेटिव होंगे एसोसिएटिव होंगे या एसोसिएटिव होंगे कमोटेटिव होंगे? कमोटेटिव एसोसिएटिव न भी हो सकते हैं और एसोसिएटिव कमोटेटिव न भी हो सकते हैं। तो आप पूछेगा एग्जाम्पल दे दो, तो बोला यस सर, एग्जाम्पल के लिए तो हम आपके पास आए सर। ए स्टिक बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल मोड ले लो, यह सर कमुटेटिव होगा लेकिन एसोसिएटिव नहीं होगा। और यही ए स्टिक बी इज इक्वल टू ए ले लो तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा लेकिन कमुटेटिव नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है और अगर आप लोग के पूछा गया चुटकी में बना दोगे। यही तो हम चाहते हैं, हमारी चाहत, हमारी मैथमेटिक्स सिखाने की चाहत। अगला 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गिवन द नॉन एम्प्टी सेट एस्टिक पीएक्स क्रॉस पीएक्स टेंस टू पीएक्स डिफाइन एज द आइडेंटिटी ऑपरेशन एस्टिक ऑल द ऑपरेशन पीएक्स इनवर्टाइल फंक्शन ए इनवर्स इक्वल टू ए, ए माइनस फाइव इक्वल टू फाइव माइनस ए इक्वल टू ए, एस्टिक ए इक्वल टू ए, बिल्कुल हो गया। अगले प्रश्न 14 नंबर जो इस बुक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, यानी इसको हम ऐसे कह सकते हो ना कि ए स्टिक बी बराबर ए प्लस बी डिवाइडेड सिक्स, रिमाइंडर जो आएगा उसको लिख। Thank you.
ये इसको हम एडिशन मोडुलस कहते हैं। यहाँ 6 से छह सर को सर बैठो ठीक है, एक क्लास दे ना, एक क्लास ना मैं क्या हम करने का चाहें तो हम कर देंगे मैम, क्या कर। करें ठीक। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे लड़का आता था उसको ना 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 बचा आएगा तो तो हम लोग देख रहे थे स्टिक को, यानी इसको हम एडिशन मोडुला बोलते हैं। एडिशन मोडुला बनाना बिल्कुल आसान। अब इसमें तुमको इनवर्स पूछेगा यार, तो यहां पर देखो इसका इनवर्स, इसमें हम क्या जोड़े ताकि रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहाँ 0 का 0 इनवर्स होगा, 1 का 5 होगा, 2 का यहाँ 4 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 2 होगा, 5 का पता है 1 होगा। यानी इनवर्स अगर पूछेगा तो तुम लोग अच्छे से बना सकते हो। तुम लोग देखो, देखो यार तुम लोग ऐसा करना, 7 मोडला का बना दे। बोला सर अब तो मैं बना दूंगा क्योंकि हम तो सीख गए सर। अरे तो मैं सिखाने के लिए तो आया हूँ ना, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पर। यहाँ 7 हो गया ना, a+b -7, जब a+b ≥ 7 क्या टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल बनाना तो बिल्कुल आसान है सर, मजा आ गया सर। अरे अभी मजा किया है, अब तो मजा आने वाला है। अरे अभी तो बहुत देर होगा, मजा तो आएगा ही। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0, यहाँ पर 2 3 4 5 6 0 1, यहाँ 3 4 5 6 0 1 2, यहाँ 4 5 6 0 1 2 3 5 6 0 1 2 3 4, यहाँ 6 0 1 2 3 4 5। मजा आया क्या? आ गया आ गया। अरे मजा लाने के लिए तो हम हैं। अब तुम्हारे पास बताओ 0 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारे पास 0 का तो 0 हो गया इनवर्स, और 6 का 1 हो जाएगा, 1 का 6 हो जाएगा, 2 का 5 और 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2। मजा आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर। अब तुम्हारे पास प्राइम नंबर का थोड़ा मल्टीप्लीकेशन मॉडला भी जान जाओ, मल्टीप्लीकेशन मॉडला जान जाओ। जैसे अगर हम 5 का बात करें, अरे 5 की बात करेंगे 5 से भाग देंगे तो क्या क्या बचेगा जी? 1 2 3 4 बचेगा, 0 को छोड़ देना है। यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई डाल दिया, 1 में 1 हुआ, 1 में 2 हुआ, 1 में 3 हुआ, 1 में 4 से 4 हुआ, 5 से भाग देना है यार। यहाँ 2 2 2 4, 2 3 6 हो गया, 4 2 8, 8 का यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 3, 3 2 6 1 हो गया, 3 3 9 4 हो गया, 4 3 12 2 हो गया, यहाँ पर 4 की बात करेंगे, 4 4 2 8 3, और यहाँ पर 4 2 8 3 हो गया, 4 3 12 2 हो गया, 4 3 16 1 हो गया। ये देखो बन गया तुम्हारे पास मल्टीप्लीकेशन बोर्ड लगा। अब बात हम करेंगे वन वन कब कब दिया है, तो देखो यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, 4 4 16 ये 1 हो जाएगा, 2 का 3 3 का 2 हो जाएगा, एक दूसरे का इनवर्स हो जाएगा। बोलो हाँ से ना, तुम्हारी बुक में ना मल्टीप्लीकेशन बोर्ड नहीं पढ़ाया, एडिशन बोर्ड क्यों पढ़ाया? लेकिन आपको हम पढ़ाना नहीं है क्योंकि तुम सर के साथ जुड़े हो।
हर एक चीज को तुमको सिखाएंगे यार। ये स्टिक भी इक्वल टू यहाँ पर ये भी, बट यहाँ पर प्राइम नंबर कोई भी रख सकते हो और इससे जो रिमाइंडर आएगा वो, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मोडुला, मल्टीप्लीकेशन मोडुला। सर बोले हैं रविंद्र बायो का टीचर है, बायो को सर वहां पर है लंबे तागरे, तू इसमें हिला कैसे, तुरंत तो पहले पिटना पड़ेगा क्लास चला, तू हिल कैसे सर, तू ले तो ये भी मैं आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, मजा आ गया यार, मजा आ गया। 15वां नंबर भी क्वेश्चन करा दीजिए सर, मजा आ जाएगा। अरे हम तो मजा लाने के लिए बैठे हैं ना। अरे 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, ए इज इक्वल टू -1012, बी इज इक्वल टू -4 -202, एफ एंड जी है टू बी फंक्शन एंड डिफाइन, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू x²-x और जी एक्स इज इक्वल टू 2x-1 - 2 कहा। ये क्या इक्वल है यार? यार नहीं जी, इक्वल नहीं है जी, दोनों में अंतर अंतर है जी। बिल्कुल आपने सही पकड़ा, और 16 नंबर क्वेश्चन तो बिल्कुल ये जीआई मेन में 2-3 बार पूछ चुका है। अरे भाई नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें लोगों को पता नहीं है? अरे एन क्रॉस एन टेंस टू एन है तो एन के पावर एन स्क्वायर होता है। और यहाँ पर ये तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ये तो 20वां नंबर क्वेश्चन है यार, मैं तो थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। 20 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पर दिया है, 19 नंबर ए टू बी है, जो एलिमेंट है यानी यहाँ पर 2 के पावर 2 के पावर 2, 2 के पावर 4 यानी टोटल 16। ये बात समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे 18 नंबर क्वेश्चन को हमको करने का प्रयास, जो एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं होने देंगे हम पास, क्योंकि हम तो एनसीईआरटी के लिए ये सिग्नम फंक्शन को इंडिकेट किया है। सिग्नम फंक्शन का पता है क्या होता है? अरे सिग्नम एक मशीन है, वो अगर 0 से ज्यादा रहेगा तो प्लस बन देगा, 0 रहेगा तो 0 और छोटा रहेगा तो माइनस। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा, समझने की जरूरत है? अच्छा समझा देता हूं। आप तुम्हारे पास ये डायलेमा में ये 1 निकालेगा जब ग्रेटर देन 0 होगा, 0 निकालेगा जब 0 होगा, -1 निकालेगा जब लेस देन 0 होगा, और जी रियल टू रियल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स है फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मतलब होता है नीचे खींचना। अब इसका फॉग और गॉफ का वैल्यू निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा? बिल्कुल निकल जाएगा जी, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 18 भी हो गया फॉग गॉफ के बारे में। अगला कह रहा है इसका 1 2 3 डिफरेंस रिलेशन 1 2, या ऐसा बनाना है इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना 1 2 है तो इसका 2 1 पहले पूरा करना पड़ेगा, साथ साथ में 1 1 पूरा करना। 4 एलिमेंट लेकर तो हो जाएगा, डी एम ऑप्शन हो गया, मजा आ गया यार। 16 नंबर क्वेश्चन 1 2 3 नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन 1 2 और 1 3 है, रिफ्लेक्स सिमेट्रिक पैटर्न नॉट ट्रांजिटिव चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 को चाहिए, 2 2 चाहिए और 3 3 चाहिए। बिल्कुल वन टू इसको सिमेट्रिक करने के लिए 2 1 चाहिए, यहाँ 3 1 चाहिए, एक और 1 2 लिखना पड़ेगा तब होगा, तो यानी 2 पहले से लिखा होता और यहाँ पर लिखा दिया, 4 एलिमेंट इसका भी हो गया। बोलो आया कि नहीं आया? एनसीईआरटी को तुमने समाप्त कर रखा है, पहला चैप्टर को, पहला पड़ाव को तुमने पार कर चुका है। अब तुमको हम इतनी हिस्टोरिकल इसकी बात बताते,
इसमें कौन कौन मैथमेटिशियन ने योगदान लिया, क्या क्या उन्होंने कहा, इस पर थोड़ी सी अब विचार विमर्श हम करते हैं। और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को तुमने समाप्त कर लिया है, चैप्टर वन आपका समाप्त हो गया है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका, ये तुम्हारे पास पांच भागों में, तुम्हारे पास पांच एपिसोड में रिलेशन फंक्शन को समाप्त हो गया है। बोलो तो फिर हम लोग मिलते हैं अगला में आईटीएफ लेकर के।